ऑलराउंडर संगू, आज मैं आई हूँ आप लोगों को सबको विश करने के लिए। आज है मकर संक्रांति। आप लोग जानते हो मकर संक्रांति पे क्या क्या करना पड़ता है। आज उलो के साथ साथ आज बंगाली का पौष संक्रांति भी है। पौष संक्रांति के दिन में बंगाली लोग बहुत सा खीर पीठा बहुत सारी चीज तैयार करते हैं, क्योंकि आज इस दिन के लिए सारे जो नए नए डिश है ये बनते हैं। तो मैं भी आज कुछ बनाई हूँ जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। कैसे बना, क्या क्या चीज मैं यूज किया हूँ, ये अगर आप लोगों को जानना है तो मेरे जो नीचे कमेंट बॉक्स है ऑलराउंडर संगू का, वहाँ पे कमेंट कीजिए, मुझे पूछिए, मैं जरूर बता दूंगी। सिर्फ ये नहीं, बाकी दूसरा कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज मैं सबको विश करती हूँ हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी पौष संक्रांति। आप लोग बहुत अच्छा रहे। हम चाहते हैं जो नए साल में, जो ये जो कोरोना साल गया ना 2020 में, ये पूरा पूरी खत्म हो जाए। सब फिर पहले जैसे थे एकदम ऐसा बन जाए। सब खुशी में एक दूसरे से गले में मिले, सब हाथ में हाथ पकड़ के विश करे, सब कुछ करे, और जो कोरोना टाइम पे गया वो हम लोग एकदम पूरा भूल जाए, सब पहले जैसे बहुत एंजॉय करे। चलिए आज मैं क्या क्या बनाई हूँ और इसमें क्या क्या एंजॉय किया ये मैं बताऊंगी। एक तो देखिए कोरोना के टाइम बोले किसी को हम बुला नहीं पाए तो घर में, मगर ये तो बनाना ही है, ये तो करना ही है। आज साल के नए साल है, जिसको बंगाली में नया साल बोलते हैं पौष संक्रांति, जहाँ पे पीठा पायश ये सब बनाना बहुत जरूरी होता है। पायश मतलब जिसको आप लोग खीर बोलते हैं। तो हम लोग का खीर थोड़ा सा अलग सा होता है, ये एकदम रबड़ी जैसा टेस्ट होता है, देखने भी रबड़ी जैसा बनता है। चलिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आज मैं घर में क्या क्या बनाई हूँ। देखिए ये है पहले, इसको हम बोलते हैं पुली पीठा। पुली पीठा ये है, इसके अंदर है आपका खोया, नारियल, सब कुछ, गुड़, मतलब जो नया गुड़ आता है उसमें से बना दू। नॉर्मल जो गुड़ है वो नहीं है, ये नया गुड़ में बनता है, इसके अंदर वो है। ये है पाटी सप्टा, ये भी इसके अंदर है खोया है, इसके अंदर नया गुड़ है, ये पाटी सप्टा है। ये चावल से बनते हैं, मगर मैं थोड़ा अलग चीज से बनाई हूँ। ये भी चावल से बनता है, ये भी मैं अलग चीज से बनाई हूँ। ये जो बनाई हूँ ये चावल को आपका मैश करके फिर बनाया जाता, मगर मैं इजी वे से जैसे सूजी से बनाई हूँ। कैसे वो मैं आपको बाद में बोल दूंगी, या आप लोग जरूर मुझे पूछना। ये हमने बहुत इजी तरीके से बहुत जल्दी इतना कुछ बना लिया। ये बनाया, ये देखिए ये हमने बनाया, इसको आप गुड़ पीठे बोल सकते हैं, या इसको आप भाजा पीठे कुछ भी बोल सकते हैं, या मालपुआ। तो ये हमने बनाई, इसका बहुत सारे नाम है, मालपुआ बोल दीजिए, ये हमने मालपुआ बनाई। यहाँ पे देखिए ये जो पुली पीठा है, ये पुली पीठा को दूध से, ये दूध से हमने उबाला, और उसमें हमने नया गुड़, मतलब जिसको बंगाली में पाटाली गुड़ बोलते हैं, हमने वो डाला है। तो इसका नाम हो गया दूध पुली। कोई भी बंगाली ये डिश का नाम जानता है, ये है दूध पुली। ये है खीर, देखिए इसको बोला जाता है खीर। खीर मतलब ये है, हमने लिया 2 लीटर दूध में, ये जो चम्मच देख रहे हैं ना, ये चम्मच के 2 चम्मच बासमती खीर की जो राइस होते हैं, सिर्फ 2 चम्मच राइस, मतलब 2 लीटर दूध में हमने जो राइस स्पून होते हैं उसको 2 चम्मच हमने राइस लिया, 2 लीटर दूध में हमने उसको उबालते 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 जब खीर जैसे बन गया, तब हमें इसमें गुड़ डाला, और इसमें देखिए ये है किशमिश और ये काजू, बस ये सब बना के हम इसको खीर बनाया, ये खीर बन गया। तो आज था मेरा ये सारे डिश, ये आज मैंने बनाई पौष संक्रांति के लिए। तो जरूर आप लोग भी एंजॉय कीजिए, मैं भी एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि आज ये
खाना चाहिए, क्योंकि जो जो सीजन में जो जो खाना चाहिए जरूर बनाइएगा। इसमें थोड़ा सा कष्ट होता है मगर ये एंजॉय लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये जो पीठा ये जो पायस ये आजकल के बच्चे भूल ही जाते हैं क्योंकि घर में कोई बनाता नहीं है। सब बोलते बहुत मुश्किल, कौन बनाएगा। नहीं, बहुत इजी वे से ये आप बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाई। सिर्फ सब कुछ मिला के एक घंटा भी आपको नहीं लगेगा। आप ज्यादा चीज बनाइएगा तो, अगर एक चीज बनाइएगा मैक्सिमम 10 से 15 मिनट, मगर खीर बनाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि दूध को उबाल उबाल के एकदम उसको एकदम खीर बनाना है, इसलिए हम लोग का जो खीर बनते हैं वो थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी सब बहुत इजी वे से बनता है। मैं अभी थोड़ा थोड़ा सब कुछ खा के दिखाती हूँ कैसे बना। चलिए पहले मैं खीर को टेस्ट कर रही हूँ। सच्ची में लाजवाब टेस्ट, अब बिलीव ही नहीं कीजिएगा, ये खीर बहुत अच्छा बना। बहुत देखिए, ये है दूध पुली। आपको हम एक पुली उठा के दिखा रहे हैं, देखिए ये है पुली। पुली मतलब इसको हम लोग पुली पीठा बोलते हैं। उसमें दूध में उबाला तो पुली पीठा बन, दूध पुली बन गया। ये भी हम टेस्ट करते हैं थोड़ा। देखिए इसके अंदर भी खोया है, देखिए ये हम खा रहे हैं। सच में बहुत ज्यादा टेस्टी। एक दिन होता है जो दिन आने से सबको याद आ जाता है जो आज तो कुछ बनाना है, तो मैं भी घर वालों के लिए सबके लिए बनाई हूँ। सब एंजॉय में बहुत एंजॉय करके खाया और सब बहुत खुश है। अभी हम ये पुली पीठे खा के दिखा रहे हैं। देखिए अंदर में, मतलब ये हम लोग पीठा बोलते हैं, इसका नाम पुली बोलते हैं। आजकल बच्चों इसका नाम क्या जानते पता है? ये साइज, ये डिजाइन, बच्चों को पूछो ये क्या है, तुरंत तुम लोग बताएंगे ये मोमोज है। सॉरी, ये मोमोज नहीं है, ये बहुत पुराना चीज है, इसका नाम है पुली पीठा। ये भी बहुत अच्छा बना। ये है मालपुआ। ये मालपुआ बनाने के लिए हमने इसमें यूज किया है सूजी, मैदा, थोड़ा सा सौंफ जिसको हम लोग वो बोलते हैं मूरी, मतलब बंगाली में मूरी बोलते हैं, हिंदी में सौंफ बोला जाता है, वो डाली हूँ थोड़ा सा। और इसको जो गुलना पड़ता है ना, पानी बिल्कुल भी यूज नहीं होता, इसमें दूध से गुलना पड़ता है। तो ये भी हमने बनाया, देखते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट, देखिएगा, देखिए देखिए कितना सॉफ्ट बना, बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा टेस्टी। ये भी बहुत अच्छा बना। ये देखिए, इसको बोला जाता पार्टी सप्टा। पार्टी सप्टा मतलब देखिए, इसको अंदर से सब कुछ देख के इसको फोल्ड किया जाता है। ये चावल को भिगो के उसको पेस्ट करके फिर बनाना पड़ता है, तो मैंने भी बनाई। अभी इसको हम खा के देखते हैं ये भी कैसे बना। इसके अंदर खोया दीजिए या नारियल दीजिए, गुड़ से नारियल को फ्राई कर लीजिए, देख के इसके अंदर देख के फोल्ड कर लीजिए। तो मैंने भी बनाई, इसको भी टेस्ट करती हूँ। सच्ची में बहुत अच्छा लगा। आप लोग जरूर घर में बनाया होगा, नहीं तो कभी बनाइए, बहुत अच्छा है। बच्चा लोग सब मोमोस छोड़ के ये भी पसंद करने लगेगा, नहीं तो जितना भी आगे दिन आते जा रहे हैं ना, ये सारे चीज भूल जाएंगे बच्चे लोग। तो याद दिलाने के लिए साल में एक बार जरूर बनाइए, मैं भी बनाती हूँ, बच्चों को खुश कर देती हूँ। देखो हम लोग के जमाने में ये मम्मी बनाती थी,
तो हम भी बनाते हैं, मेरे बेटा भी पसंद करके खाता है, तो आप लोग भी बनाइए, घर वाले सब पसंद करके खाएंगे। तो जरूर ये था आज की संक्रांति एंड मकर संक्रांति के दिन आप सबको मैं विश करना चाहती थी, इसलिए छोटा सा एक वीडियो बना दिया। तो आप लोग भी सब लोग विश कीजिए, सबके साथ विश कीजिए, घर में ऐसा मीठा कुछ भी डिश बना लीजिए। ओके, बाय।